गुड मॉर्निंग, वेलकम आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आइए ग्रामीण परिवेश का एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक और है क्या, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन अगर हमसे पूछा जाए कि यह किस सूची का विषय है, तो पशुपालन किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। समझ में आ रहा, राज्य सूची का विषय है। देखिए आपको पता है, कई बार बताया गया, एक बार पुनः बता देते हैं कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां जोड़ी गई। कौन कौन सी सूची जोड़ी गई, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। बात समझ में आ रही, सबको पता है कि जब कानून राज्य बनाएगा तो वह रखा जाएगा राज्य सूची में। ऐसा विषय जिस पर कानून संघ बनाता है, केंद्र बनाता है, वह रखा गया है संघ सूची में। जिस पर दोनों मिलकर बनाएंगे उसे रखा जाता है समवर्ती सूची में। तो पशुपालन राज्य सूची का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पशुपालन भी किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, कृषि से संबंधित है। समझ पाए इतनी बात। अब हमको मुख्यतः यहां से जानना क्या है, जानना यह है भैया कि भारत का पशुधन, जैसे कहा नहीं जाता कि गाय की संख्या कितनी है भारत में या किस स्थान पे है, मत्स्य पालन में कौन से स्थान पर, ये मुख्य चीजें हैं जो हमको जाननी है यहां से, पशुपालन से, एनिमल हस्बेंड्री से। तो आइए ज्यादातर इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी चर्चा हम आपसे करते हैं, ठीक है। तो सब लोग, जितने लोग अभी तक ऑनलाइन देख पा रहे हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, हर बार नहीं बताया जाता। चलिए बात की जाए पशुपालन की, तो विश्व में भारत का पशुधन संख्या की दृष्टि से अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व में जो भारत है, तो भारत विश्व में पशुधन, भारत विश्व में पशुधन की संख्या, पशुधन की संख्या में पहला स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है भैया, पहला स्थान रखता है। बात समझ में आ रही, अगर पहला स्थान भारत का है तो दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है ब्राजील का। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जब दूसरा ब्राजील का है भैया तो तीसरा किसका है, हमारे चिर प्रतिद्वंदी चीन का, किसका है, चीन का। जब हम बात करेंगे कि विश्व में पशुधन की संख्या में भारत का स्थान कौन सा है, तो पहला पशुधन की संख्या में सब आ गए, गाय, भैंस, बैल, बकरी, जितनी भी चीजें हैं सब आ गए किसमें भैया, पशुधन संख्या में। तो इसको जल्दी से नोट करिएगा, नोट हो गया। चलिए पहला स्थान किसका, भारत का, दूसरा ब्राजील का, तीसरा किसका भैया, चीन का। लेकिन अगर हमसे यह पूछा जाए कि भारत गौ पशु अर्थात गाय बैल में कौन से स्थान पर है, तो भारत अगर हमसे पूछा जाए भैया, भारत गौ पशु, गौ पशु मतलब क्या भैया, गाय बैल, भारत गौ पशु में कौन सा स्थान रखता है भैया, दूसरा स्थान रखता है, द्वितीय स्थान रखता है। तो पहला स्थान किसका है यह हमसे पूछेगा, जब गौ पशु में दूसरा स्थान रखता है तो पहला किसका भैया, ब्राजील का। गौ पशु में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान किसका भैया, भारत का, तो प्रथम किसका है, ब्राजील का। बातें समझ में आ रही, ब्राजील का। तीसरा पॉइंट भैया, अगर हमसे पूछा जाए कि भैंस के मामले में
भैंस में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का है। किसका भैया? भारत का है। प्रथम स्थान किसका? भारत का। तो दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान किसका भैया? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? चीन का। हमने कहा भैया कि और भैंस के मामले में प्रथम स्थान के कौन सा रखता है? भारत। भैंस के मामले में प्रथम भारत, दूसरा चीन। बात समझ में आ रही? अगला देखिए, पूछा जाए भैया कि बकरी, बकरी के मामले में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान किसका भैया? बकरी के मामले में प्रथम स्थान है चीन का, द्वितीय स्थान किसका? भारत का। बकरी में प्रथम चीन, द्वितीय कौन सा भैया? भारत। इतनी चीजें नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ना भी, अगर ये पूछ लिया जाए कि विश्व में पशुधन या मवेशी पूछ लिया जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर पूछा जाए कि विश्व में मवेशियों में प्रथम स्थान, मवेशियों की संख्या में प्रथम स्थान किस देश का है, तो मवेशी मतलब क्या होता है? वही तो है पशुधन संख्या, इसी को हम किस में लिख सकते हैं? मवेशी भी हमसे पूछ सकता है ना। परसेंटेज पूछे तो कितना भैया? पूरे विश्व का 30.9% अकेले कहां पर है? भारत में। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। भैंस का प्रतिशत पूछे भारत में या तो अकेले कितना? 57% है। भैंस का अकेले 57% कहां पर है? भारत में है। गौ पशु के बारे में पूछे कितना भी? 14% अकेले कहां पर है? भारत में है। बातें समझ में आ रही? इतना नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर आपसे की जाए, अगर ये पूछे कि पशुधन के मामले में सर्वाधिक संख्या किसकी है, पशुधन के मामले में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो आइए उसको जानते हैं भैया हम। अगर पूछा जाए कि कृषि से संबंधित अर्थात पशुपालन, पशु संख्या में लगभग सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो किसकी भैया? कुक्कुट पालन। किसकी है? कुक्कुट पालन की। तो हमने कहा पशु संख्या में पशु संख्या में सर्वाधिक कितना भैया? 17%। पशु संख्या में सर्वाधिक कितना भैया? 17% अकेले कौन सा पालन होता है? अकेले कुक्कुट पालन स्थान रखता है। समझ पा रहे? अब इनमें से भी अगर हमसे पूछा जाए कुक्कुटों की संख्या कुल कितनी है लगभग भैया, जो आंकड़ा निकाला गया तो 729.21 मिलियन कितना है? अगर पूछा जाए कुक्कुटों की कुल संख्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा इनमें अगर पूछा जाए भैया कुक्कुटों की कुल संख्या कितनी बताया भैया हमने? 729.21 मिलियन कितना है? 729.21 मिलियन। ये तो संख्या हो गई किसकी भी? कुक्कुट की संख्या हो गई। अब इनमें अगर अगला अलग से हमसे पूछे तो अंडा उत्पादन लगभग कितना होता है भारत में, तो 78.48 मिलियन कितना होता है भैया भारत में? अंडा उत्पादन लगभग कितना होता है भैया? हमने बताया 78.48 मिलियन 78.48 मिलियन। बातें समझ में आ रही? अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमसे पूछ सकता है कि वर्तमान में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है भारत में, तो अंडे की प्रति
व्यक्ति, अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भारत में कितनी भैया? 63 है, 63 प्रति वर्ष। बात समझ में आ रही? मतलब एक वर्ष में एक व्यक्ति के लिए कितना अंडा उत्पादन हो रहा भारत में भैया? 63, और प्रति वर्ष है ये। बात समझ पा रहे? तो अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी भैया? 63 प्रति वर्ष है। चलिए अगली बात की जाए भैया, मछली उत्पादन में, मछली और ताजा मछली दोनों हमसे पूछता है भैया, मछली और ताजा मछली, ताजी मछली उत्पादन में, मछली और ताजी मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा भैया? दूसरा है, द्वितीय है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन सा भैया? चीन है। पहले स्थान पर कौन सा है? चीन। और चीन भारत से लगभग 10 गुना अधिक उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा भैया, कितना अधिक उत्पादन करता है? 10 गुना अधिक उत्पादन करता है किससे? भारत से। तो हमने कहा कि मछली और ताजी मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, और पहले स्थान पर कौन सा है? चीन है। और चीन कितना करता है भैया? लगभग 10 गुना, भारत से 10 गुना अधिक मछली का उत्पादन अकेले कौन करता है? चीन करता है। बात समझ में आ रही इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में अगर ये पूछा जाए कि भेड़ों की संख्या, देखिए भैया हम वही पॉइंट आपको बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार हम कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए अगली बात करते हैं भैया। हमने कहा कि भेड़ों की संख्या की बात की जाए भारत में, तो भारत में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहां पर? राजस्थान में। भारत में लगभग भैया 60% कितनी? भारत में लगभग 60% भेड़े कहां पर भैया अकेले? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। फिर क्रमशः किस किस राज्य का नाम आता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा शेष महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर। तो हमने कहा क्रमशः कौन कौन से उसके बाद आएंगे? क्रमशः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद क्या क्या आएगा भैया? महाराष्ट्र आएगा, यूपी आएगा, ये सब उसके बाद क्रमशः आते हैं। लेकिन पहले स्थान पर कौन सा भैया? पहले स्थान पर राजस्थान, अकेले कितना भैया? 60%। बात समझ पा रहे हैं? अगला आता भैया, अब देखिए एक हम अगर क्रम से इसको बताएं, एक चार्ट के द्वारा अगर हम इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं भैया कि गाय बैल में द्वितीय स्थान रखता है भारत, भैंस में प्रथम स्थान रखता है। तो आइए दूसरा और प्रथम इस तरह से आपको बता देते हैं एक चार्ट के द्वारा, ये ऐसे ही आप लोग नोट करते चलिएगा। द्वितीय स्थान जितने जितने का है हम उसको अलग कर देते हैं, पहले स्थान पर जो उसको अलग कर देते हैं। तो हमने कहा भैंस में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। बाकी सभी चीजों में दूसरा, तीसरा, पांचवा इस तरह से आता है। तो देखिए भैया हमने कहा आपसे कि भैंस में भारत क्या है? प्रथम। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा भैया गौ, गौ पशु में, गौ पशु, बकरी, गौ पशु, बकरी, इन दोनों में कौन सा स्थान रखता है भारत भैया? द्वितीय, दूसरा स्थान रखता है, है ना। और बात की जाए भेड़, भेड़ में तीसरा स्थान है भारत का, कौन सा स्थान भैया भेड़ के मामले में? तीसरा स्थान रखता है भारत। बात समझ पा रहे? और चिकन में पांचवा, चिकन में कौन सा स्थान रखता है भैया भारत? पांचवा। ऊंट में दसवां, है ना, नोट करते चलिएगा ऐसे ही। बत्तख में सातवां,
बत्तख में कौन सा स्थान भैया इसका? सातवां। घोड़े में कौन सा स्थान रखता है भैया? सत्रहवां। सुअर में? अठारहवां। ठीक है, ये तो रही भारत की स्थिति। भैंस में प्रथम स्थान, गौ पशु और बकरी में द्वितीय स्थान, चिकन में पांचवां, भेड़ में तीसरा, ऊंट में दसवां, बत्तख में सातवां और घोड़े में भैया सत्रहवां और सुअर में अठारहवां स्थान कौन सा रखता है? भारत रखता है। इतनी बात समझ में आ रही? नोट करिएगा भैया। अब बात कीजिए दुग्ध उत्पादन की, तो आपको पता है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है और कब से बना हुआ है स्थान भैया? 1998 से। 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति लाई गई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं की देन है कि आज भारत विश्व में पहले स्थान पर है। और किसके उत्पादन भैया? दुग्ध उत्पादन में। लेकिन अगर ये पूछे कि दुग्ध उत्पाद में पहले स्थान पर कौन सा है, दोनों शब्द में ध्यान अंतर समझिएगा। हमने कहा कि 1998 से ही भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन दुग्ध उत्पाद भी, जैसे क्या हमने कहा पनीर, समझ पा रहे हैं, मक्खन, मट्ठा, ये सब ये दुग्ध उत्पाद में। तो हमने कहा कि पहले स्थान पर भारत है सिर्फ दुग्ध उत्पादन में, लेकिन दुग्ध उत्पाद में पहले स्थान पर कौन सा है? दुग्ध उत्पाद में प्रथम स्थान किसका है? डेनमार्क का। किसका है भैया? डेनमार्क का है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से ध्यान समझिएगा इसको। हमने कहा कि 1998 से ही भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन दुग्ध उत्पाद में प्रथम स्थान किसका है? वो है डेनमार्क का। किसका भैया? डेनमार्क का। यहां तक नोट करिएगा इसको। नोट हो गया था। अगला अगर हमसे पूछा जाए भैया कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता है कितनी भारत में, तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, तो हमने कहा भैया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, दुग्ध उपलब्धता भारत में है कितनी? भारत में है कितनी भैया? 355 ग्राम। कितनी है? 355 ग्राम। बात समझ में आई? लगभग इतनी है, लगभग आंकड़ा है भैया, लगभग कितना? इतना है। समझ पा रहे? अगली बात की जाए भैया तो जफराबादी भैंस प्रतिवर्ष कितना किलोग्राम दूध देती है, तो सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी? जफराबादी भैंस। और कितना देती है प्रतिवर्ष भैया? 1800 से 3000 किलोग्राम तक। कितना देती भैया? हमने कहा कि जफराबादी एक भैंस होती है, जफराबादी भैंस प्रतिवर्ष 1800 से 3000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम दूध देती है। बात समझ में आ रही? अगली एक गाय की प्रजाति है भैया, उसका नाम है कंकरेज। अभी जितनी प्रजातियां हैं ना गाय भैंस की, उसको अलग अलग हम बता देते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए भैया कि भारत में किस राज्य का स्थान प्रथम है दुग्ध उत्पादन में, तो हमने कहा भैया उत्तर प्रदेश,
का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान दुग्ध उत्पादन में कौन सा भैया? प्रथम। तो अगर हमसे पूछा जाए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहां तक बात समझ में आ रही? नोट करिएगा जल्दी से। अगली बात की जाए भैया तो हमसे पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ष जो एक औसत निकाला गया उसके अनुसार अगर पूछा जाए कि प्रतिवर्ष एक गाय कितना दूध देती है, एक भैंस कितना दूध देती है, तो उसको जानते हैं भैया हम। तो हमने कहा अगर एक एवरेज निकाला जाए तो प्रतिवर्ष एक गाय, प्रतिवर्ष हमने कहा भैया एक गाय 400 किलोग्राम, एक गाय 400 किलोग्राम तथा भैंस 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम औसतन दुग्ध उत्पादन करती है। बात समझ में आ रही? हमने कहा भी एक गाय की बात की जाए तो लगभग 400 किलोग्राम, एक भैंस की बात की जाए तो लगभग 800 किलोग्राम औसतन ना दुग्ध उत्पादन करती है, लिख सकते हैं दूध देती है। बात समझ में आई थी नहीं? लेकिन अगर यह पूछा जाए भैया कि जबकि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला, अगर इस तरह से देखा जाए औसतन सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा भैया? अमेरिका, जहां पर 4145, कितना भैया? 4145 किलोग्राम प्रतिवर्ष दुग्ध उत्पादन होता है। अगर औसतन देखिए भैया, अगर पूरे दूध उत्पादन की बात की जाए वो तो भारत है प्रथम स्थान पर, लेकिन अगर गाय और भैंस के आधार पर देखा जाए तो प्रतिवर्ष है ना सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन प्रति किलोग्राम कहां होता? अमेरिका में। कहां पर होता भैया? अमेरिका में। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब संख्या भारत में पशुओं की ज्यादा है इसलिए दूध उत्पादन भी ज्यादा है, लेकिन अगर क्वांटिटी की बात देखी जाए भैया तो क्वांटिटी में प्रथम स्थान पर कौन सा है? अमेरिका है ना। मात्रा के आधार पर पहला स्थान पर कौन सा भैया? प्रति गाय एवं भैंस की मात्रा के आधार पर प्रथम स्थान किसका भैया? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का, जहां पर प्रतिवर्ष लगभग 4145, कितना भैया? 4145 किलोग्राम दूध उत्पादन होता है। 4145 किलोग्राम दूध देने वाली प्रजातियां पाई जाती हैं। बात समझ पा रहे? अभी देखिए आपने देखा भैया कि भारत में प्रतिवर्ष एक गाय लगभग इतना किलोग्राम दूध देती है, भैंस इतना देती है, औसत निकाला गया, कम ज्यादा सबका औसत निकाल लिया गया। लेकिन यही औसत अगर कहां देखा जाए? अमेरिका में। कितना भैया? लगभग 4145 किलोग्राम का है। ये तो हो गया पहले स्थान पर अमेरिका। समझ पा रहे? और अगर पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन सा भैया, तो दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। कौन सा है? इंग्लैंड। फिर डेनमार्क है, फिर भारत का स्थान आता है। दूसरे स्थान पर कौन सा भैया? इंग्लैंड है। दूसरा स्थान किसका है? इंग्लैंड का है। और कितना भैया दूध उत्पादन यहां पर होता है? 3950 किलोग्राम। कितना होता है?
प्रतिवर्ष। तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान भैया डेनमार्क किसका है? तीसरा स्थान डेनमार्क का है। यहां कितना होता है भैया? 3902 किलोग्राम। कितना होता है लगभग भैया? 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए हमने कहा प्रति गाय एवं भैंस की मात्रा के आधार पर प्रथम स्थान पर अमेरिका है जहां पर इतना दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। इंग्लैंड का स्थान दूसरा है जहां पर इतना प्रतिवर्ष होता है। तीसरा भैया डेनमार्क का है जहां पर इतना प्रतिवर्ष होता है। इतनी बातें समझ में आई? नोट करिएगा जल्दी से इसको। हमने कहा भैया यहीं पर थोड़ी सी बात कर लें किसकी? श्वेत क्रांति की। किसकी बात कर लें भैया? श्वेत क्रांति की। तो हमने कहा भैया इसकी शुरुआत किसने की थी? वर्गीज कुरियन साहब ने की थी। किसने की थी भैया? वर्गीज कुरियन साहब ने की थी। और कब की थी? 1970 में की थी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर शुरुआत की बात की जाए भैया तो 1964-65 में ही सघन पशु विकास कार्यक्रम लाया गया था। क्या लाया गया था भैया? 1964-65 में ही क्या लाया गया था? में एक कार्यक्रम लाया गया था। क्या लाया गया था भैया? सघन पशु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको पता होगा कि उस समय क्या चल रहा था? योजना अवकाश क्या चल रहा था भैया? योजना वकाश चल रहा था, मतलब योजनाओं का अवकाश चल रहा था। और उसी समय क्या ला दिया गया भारत में? 66-74 में चल रहा था ना भैया, योजना अवकाश की शुरुआत होने वाली थी। योजना अवकाश की शुरुआत होने वाली थी उसी समय। उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी, इसीलिए कृषि के अलावा उपलब्धता कहां दी गई भैया? पशुओं के ऊपर। ऐसा कहा गया कि किसान पशुओं से भी अपनी आय की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना, अलग आय की प्राप्ति के लिए किसी न किसी और आधार को बना सकते हैं। और नाम दिया गया किसका? सघन पशु कार्यक्रम का। और कब लाया गया? 1964-65 में। अब इसमें हुआ क्या भैया? इसके अंतर्गत दुग्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने की कोशिश की गई। इसी के द्वारा जो दुग्ध का क्षेत्र था उसमें क्रांति उत्पन्न करने की बात की गई। और इसी के चलते 1970 में, कब? 1970 में वर्गीज कुरियन साहब ने, वर्गीज कुरियन द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई किसके द्वारा की गई भैया? वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा की गई। और आपने अमूल प्रोडक्ट का नाम सुना होगा ना भैया, उसके भी जन्मदाता यही माने जाते हैं। समझ पा रहे बात को? चलिए इतना लिखिए पहले आप, श्वेत क्रांति में 1964-65 में सघन पशु कार्यक्रम चलाया गया और इसके तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई। और 1970 में वर्गीज कुरियन द्वारा श्वेत क्रांति चलाई गई जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं भैया? इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं? इसे और किस नाम जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी लिखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण था भैया वो 1970-78 तक, चरण भी बता देते हैं, 3 चरणों में चलाया गया मुख्यतः। कितने चरणों में चलाया गया? 3 चरणों में, पहला 70-78 तक। देखिए भैया कितने चरण इसके बनाए गए? 3 चरण। जो ऑपरेशन फ्लड था इसको मुख्यतः 3 चरणों में डिवाइड किया गया। पहला चरण, और तब तक किया गया जब तक भारत पहले स्थान पर नहीं आ गया। और किसमें नहीं आ गया? दुग्ध उत्पादन में। तो पहला चलाया गया 1970 से लेकर कहां तक? 78 तक। दूसरा चरण कब से कब तक चला था भैया? 1978 से 85 तक। और तीसरा चरण कब से कब तक चलेगा? तीसरा चरण भैया 1985 से लेकर और कब तक? 1998 तक, जब तक भारत पहले स्थान पर नहीं आ गया। किसमें? दुग्ध उत्पादन में। यहां तक बात समझ जाए?
कहीं के भी आप देखेंगे ना तो ये तिथि कितनी दी होती है 1995, कितनी दी होती है 1995, लेकिन सही क्या है 98। 85 से लेकर कब तक चलाई गई थी, 98 तक। ठीक है, अब बात की जाए पूरे विश्व में जितना दुग्ध उत्पादन होता है, पूरे विश्व का अकेले, पूरे विश्व का अकेले 20.3% दुग्ध उत्पादन कौन करता है, भारत। कौन करता है भैया, भारत। पूरे विश्व का अकेले कितना करता है, 20.3% दुग्ध उत्पादन कौन करता है भैया, भारत। इसको ग्राफ ऐसे बना लेंगे हम, इसको भी पॉइंट को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड करेंगे भैया इसी में। हमने कहा नेशनल डेयरी रिसर्च, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955 में की गई, और कहां की गई भैया, करनाल में। कहां की गई, करनाल में, और करनाल कहां भी, हरियाणा में। करनाल कहां भैया, हरियाणा। बात समझ में आ रही। हमने कहा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 इसकी स्थापना की गई है, कहां पर, करनाल, और कहां पर भैया, हरियाणा में। नोट करिए कितनी चीजें, नोट हो गया भैया। किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ सकता है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात की जाए भी, आइए उनको हम जानते हैं, कुछ प्रजातियां जो हमसे पूछी जाती हैं। जैसे पूछे कि भैया भैंस की किस्में कौन कौन सी होती हैं, गाय की किस्में कौन कौन सी होती हैं, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। ठीक है, बात की जाए भैया, चलिए मवेशी और उनकी किस्में, तो हम दो कॉलम बनाएंगे भैया। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पशुपालन पढ़ रहे हैं ना भैया, यहां से कई क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कहा मवेशी और उनकी किस्मों के बारे में आइए हम जानते हैं कि कौन सा मवेशी है, उसकी किस्म कौन कौन सी, जैसे गाय की किस्म क्या है, भैंस की किस्म कौन कौन सी होती है। तो अधिकतर पूछ लेता है, जैसे पूछेगा मुर्रा ना, किसकी किस्म है, गाय भैंस बकरी किसकी है, तो आप बताएंगे भैंस की। उसी तरह से एक एक करके हम जानते हैं, तो ऐसे लिखेंगे भैया मवेशी तथा उनकी किस्में, मवेशी तथा उनकी किस्में। अब इसमें दो कॉलम बनाएंगे भैया हम, एक में लिखेंगे मवेशी, दूसरे में क्या लिखेंगे भैया, किस्में लिखेंगे कि इनकी किस्में कौन कौन सी हैं।
तो आइए हम जानते हैं गाय की बात की जाए। अब देखिए गाय मवेशी है, इसकी किस्में कौन कौन सी हैं? साहीवाल, गिर, सिंधी, नाम सुना होगा ना भैया, साहीवाल, गिर, सिंधी, साहीवाल, गिर, सिंधी है ना, हराना, ककरेज, बहुत सारी हैं, हराना, ककरेज, बात समझ पा रहे हैं, हराना, ककरेज, ओंगोल, 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 बहुत सारी हैं, आदि कर लेंगे है ना, जो इंपॉर्टेंट कुछ है उन्हीं के बारे में जानेंगे हम। भैंस की बात की जाए तो भैंस की किस्में कौन कौन सी, देखिएगा भैया, ये सबसे फेमस किस्म किस्म है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मुर्रा, भदवारी, मांडा, भदवारी, मांडा, नागपुरी, भदवारी, मांडा, नागपुरी, जफराबादी, मोहसाना, जफराबादी, मोहसाना, समझ पा रहे, नीली रॉकी आदि, ये किसकी किस्में भैया, भैंस की। आइए जानते हैं भैया भेड़ की किस्में, जानते हैं किस, जानते भैया भेड़ की किस्में कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानते हैं। भेड़ की किस्मों की बात की जाए तो लिंकॉन, मेरिनो, लाइसेस्टर, लाइसेस्टर, मेरिनो, लिंकॉन आदि, ये सब किसकी किस्में भैया, भेड़ की किस्में हैं, समझ पा रहे है? बकरी की बात की जाए भैया, आइए जानते हैं बकरी की किस्में कौन कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आपसे। बकरी की किस्मों की बात की जाए, चंपा, गद्दी, चेंगू, पश्मीना, देखिए कई हैं बकरी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्मीना तो कई बार पूछी हुई है, तो हमने कौन सा बताया भैया, पश्मीना, बकरी किस्म है भैया, पश्मीना, चंपा, गद्दी, चेंगू, गद्दी, चेंगू, बात समझ पा रहे हैं, चलिए नोट करते चलिएगा जी, चंपा, गद्दी, चेंगू, पश्मीना, यमुना पारी, बरबरी, कौन कौन सी भैया, यमुना पारी, बरबरी आदि, ये सब किसी किस्में हैं, बकरी की किस्में हैं। आराम से नोट करते चलिएगा, बस आपको रटना कुछ नहीं है, है ना, बस पढ़ते चलिए, रटना बिल्कुल नहीं, बस पढ़ते चलिए आप लोग साथ साथ में, पूछा ही ऐसे जाता है कि आप तुरंत क्लियर कर ले जाएंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है, एक बार भी रीड किया हुआ अच्छे से है ना, और एग्जाम के टाइम पे रिविजन कर लेंगे तो कर ले जाएंगे पेपर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आता भैया बैल का, किसका आता है, बैल की कौन कौन सी किस्में, आइए उसके बारे में जानते हैं। बैल की किस्म बिल्कुल सही, अब देखिए जितने लोग हमने कहा ना, जितने लोग ऑनलाइन हैं, लाइव हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं भैया, वो लोग नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलेंगे। तो बैल की कौन कौन सी हमने बताया भैया, नागौरी, बचौल, नागौरी, बचौल, मालवी, सिरी, सिरी आदि,
बात समझा, लिखे भी इतना। चलिए अगला किसका आता है भैया, सुअर की बात कर ली जाए, सुअर की बात कर लीजिए। देखिए कौन सा होता है भैया, वर्कशायर टैम वर्थ, ठीक है, व्हाइट यॉर्कशायर। एक तो भैया वर्कशायर है, एक व्हाइट यॉर्कशायर है ना, वर्कशायर व्हाइट यॉर्कशायर टैम वर्थ, टैम वर्थ लैंड रेज आदि। ये किसकी भैया किस्में होती हैं, ईश्वर की किस्में होती हैं। ठीक है, लास्ट हम लिखें किसकी भैया, कुक्कुट मुर्गी की कुछ किस्में लिखेंगे हम, दो चार किस लिखेंगे भैया, मुर्गी की, कुक्कुट, इनकी किस्में जानते हैं भैया कुछ। देखिए कौन कौन सी किस्में होती है भैया मुर्गी की, न्यू हैम्पशायर प्लाई माउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर एक स्थान भी है, प्लाई माउथ रॉक, प्लाई माउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, प्लाई माउथ रॉक, प्लाई माउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड व्हाइट लेग हॉर्न, कौन सा भैया, व्हाइट लेग हॉर्न आदि कर लीजिएगा। ये सब किसकी किस्में भैया, कुक्कुट की, मुर्गी की। नोट हो गया, जल्दी नोट करिए भैया यहां तक। चलिए यहीं पर थोड़ा सा दो पॉइंट और जानेंगे भैया हम। देखिए कौन कौन सा राज्य मंत्री पशुधन, कौन है राज्य मंत्री पशुधन, कौन है भैया, जयप्रकाश निषाद, श्री जयप्रकाश निषाद। वर्तमान की बात बता रहे भैया आपको, ठीक है। अगला भैया पशुधन मंत्री कौन है, राज्य मंत्री पशुधन और माननीय पशुधन मंत्री कौन भैया, श्री एसपी सिंह बघेल, कौन है, पशुधन मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल। बात समझ पा रहे हैं, ये पशुधन मंत्री हैं भैया, राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री पशुधन श्री जयप्रकाश निषाद और पशुधन मंत्री कौन भैया, श्री एसपी सिंह बघेल जी। दोनों पॉइंट नोट करिएगा जल्दी से। चलिए कुछ चीज और जानते हैं भैया, कुछ संस्थान के बारे में जानते हैं जो कि पशुओं से जुड़ा हुआ है ना, जैसे भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है, उष्ट्र वाला कहां पर है, इस तरह से दो चार अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। पशुपालन में जितनी चीजें बताई गई भैया सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कहा फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे खुद ही आपको पता चल जाएगा। बात समझ पा रहे, तो देखिए भैया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ऐसे साथ में नोट करते चलेंगे, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान,
स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में कब हुई थी भैया स्थापना, कब हुई थी 1985 में। इसका स्थान कहां पर है, हिसार में, कहां पर भैया हिसार में। राज्य कौन सा है, हरियाणा, नोट करिएगा साथ में कुछ पॉइंट और दो चार। हमने कहा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में हुई थी, स्थान कौन सा, हिसार, हिसार कहां है, हरियाणा में, कहां पर है, हरियाणा में है। अगला भैया केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, दूसरा कौन सा है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थापना हुई थी भैया 1979 में, कब हुई थी 1979 में, और कहां पर हुआ था, मखटूम और मथुरा के बीच में, है ना, आगरा और मथुरा के बीच में मखटूम पड़ता है, कौन सा स्थान है, मखटूम, मखटूम ये कहां है भैया, हमने कहा आगरा तथा मथुरा के बीच में, कहां पर है, मथुरा के बीच में, स्थान का नाम क्या है, मखटूम, और यह है कहां पर, राज्य भैया यूपी, मखटूम स्थान याद रखिएगा, समझ पा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए। अगला भी केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो अबिका नगर राजस्थान में, स्थापना 1962 में, कौन सा, केंद्रीय भेड़ और ऊन, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापना कब हुई थी 1962 में, कब हुई थी भैया 1962 में। स्थान कौन सा, अबिकानगर, कौन सा स्थान भैया, अबिकानगर, अबिकानगर, और अबिकानगर है कहां पर भैया, राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में है, ऊपर वाला नोट कर लिए, चलिए इतना नोट हो गया भैया। अगला राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है, स्थापना हुई थी कब भैया 1984 में, कब हुई थी 1984 में, स्थान कहां है, बीकानेर, बीकानेर, स्थान राजस्थान, बीकानेर, राज्य कौन सा भैया, राजस्थान। इतनी बातें समझ में आई, चलिए बस यहीं तक हमको लिखना था, यहीं तक जानना था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बता ही दिया गया 1955 में स्थापना हुई थी, है ना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बता ही दिया गया, स्थापना कब हुई थी 1955 में, स्थान कौन सा है, करनाल, स्थान कौन सा भैया उसका, करनाल है, ठीक है। तो इतने संस्थान मुख्यतः हमको जानने थे, उनके स्थान जानने थे, और राज्य के बारे में हमको जानना था, ठीक। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे, पशुपालन को, चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे, अच्छे से रीड किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। अगर यहां से हमको कुछ अतिरिक्त और कुछ मैटर मिलता है तो हम आपको जरूर अगली क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहें, पढ़ते रहें, है ना, बाकी और चीजें मिलती है तो ऐड कर देंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।